एपिसोड 457, मारन बंधन। ठकुराई ने सुमेर को वो तरीका बताया जिससे कि छलावा काले जादू से आजाद होकर भी उनके काबू में रहता, और वो तरीका था मारन बंधन। ये सुनकर सुमेर और चेरी एक साथ बोले, क्या मारन बंधन? लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हम इसे नहीं फॉलो कर सकते। चेरी की बात सुनकर ठकुराइन कड़े लफ्जों में बोली, इसके अलावा और कोई उपाय है तुम्हारे पास? चेरी और सुमेर दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद चेरी बोली, लेकिन आंटी ये उपाय रिस्की है, हम छलावा के साथ ये उपाय नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा नहीं है कि इससे छलावा की जान को खतरा है इसलिए हमें उपाय नहीं कर सकते, बल्कि अभी हमें छलावा से उसकी सारी शक्तियां लेनी है। अगर उससे पहले उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ठकुराइन ने कहा, मारण बंधन के कई तरीके होते हैं, तुम लोग क्या समझ रहे हो उसे किसी घातक बंधन में फंसाकर उसे मुक्त करने के लिए कह रही हूं मैं? नहीं, बल्कि उसके तरीके को बदलो। तुम बच्चों की यही दिक्कत है, तुम लोगों को लगता है कि तुम सबको जानते हो, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तुम सिर्फ वो जानते हो जितना पढ़ते हो, जितना सीखते हो, जितना देखते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि जो तुम्हें पता है अगर उसको और बारीकी से अध्ययन करो, उसके बारे में समझो, तो उसके कई रूप निकल कर आते हैं। मारण बंधन का एक तरीका और भी है, और उसे कहते हैं चिर निद्रा। चेरी बोली, चिर निद्रा? ये क्या है? इसके बारे में मुझे नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि मारण बंधन में किसी ऐसे घातक बंधन में बांधा जाता है जिससे मौत तक हो जाती है और उसे वो आजाद नहीं हो पाता। चिर निद्रा जैसी कोई चीज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। आंटी, मैं इन चीजों के बारे में काफी कुछ जानती हूँ, काफी कुछ मैंने सीखा भी है, लेकिन ये... ठकुराइन चेरी को बीच में ही रोकते हुए बोली, अभी जो मैंने कहा वो क्यों कहा? तुम बच्चे जानते कुछ नहीं हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो। सुमेर ठकुराइन की इस बात पर चिढ़ता हुआ बोला, अगर ये जनरेशन को कोसना हो गया हो तो मुद्दे की बात पर आइए, हम जो जानना चाहते हैं वो बताइए। बच्चे ये सोचते हैं, वो सोचते हैं, बड़े ऐसा सोचते हैं, हम अभी इसके डिस्कशन के लिए नहीं बैठे हैं। और आप इस तरह से व्यवहार करने लगी आजकल जैसे हम कोई इंसानी परिवार है जिसके बच्चे माता पिता का कहना नहीं मान रहे, माता पिता उन्हें कोस रहे हैं। हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज नहीं है, तो इंसानों के साथ रहते रहते शायद कभी कभी आप भूल जाती हैं कि आप सामान्य इंसान नहीं हैं। इस बात पर ठकुराइन चुप हो गई और बोली, ठीक है सुनो, चिर निद्रा मारण बंधन का एक ऐसा उपाय है जिसमें सारी प्रक्रिया वही होती है, लेकिन जिस आहुति के साथ आप घातक बंधन का निर्माण करते हैं जिससे प्राण चली जाती है वो नहीं की जाती है, और अगर इस विधि को छोड़ दिया जाए तो जिसके लिए आप मारण बंधन कर रहे हैं वो मरता नहीं है, लेकिन चिर निद्रा में चला जाता है तब तक के लिए जब तक आप उस बंधन को काटते नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस पद्धति से तुम्हारा काम भी हो जाएगा, छलावा की मौत भी नहीं होगी और ना ही वो तुम्हारे काबू से निकलेगा। ये सुनकर चेरी और सुमेर के चेहरे पर खुशी देखते बन रही थी। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है आपने, हम तो इस तरफ सोच ही नहीं सकते थे। सुमेर ने कहा, चुप रहो वरना फिर से माँ बच्चे बड़े बुजुर्ग दुनिया भर का ज्ञान देना शुरू कर देंगी। इस बात पर चेरी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ठकुराइन सुमेर की बात को नजरअंदाज करती हुई बोली, तुम्हें सबसे पहले छलावा को हवेली लेकर आना होगा, उसके बाद ये चीज तुम लोग कर पाओगे। चेरी ने कहा, उसकी फिक्र आप मत करिए, वो तो मैं बहुत आसानी से छलावा को यहाँ लेकर आ सकती हूँ। ठकुराइन चेरी और सुमेर को घूरती हुई बोली, लेकिन ये आखिरी बार था जब मैं तुम लोगों की मदद कर रही हूँ इस तरह। अगर आज के बाद ऐसा कुछ हुआ, तुमने इस तरह का कोई भी काम किया मेरी जानकारी के बिना और किसी भी मुसीबत में फंसे, तो मुझसे मदद की उम्मीद मत करना। तुम लोग और सुमेर, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, थोड़ी देर बाद मुझे मेरे कमरे में आकर मिलो। इतना कहकर ठकुराइन ने चेरी को देखा और वहां से चली गई। चेरी बोली, सुमेर तुम्हारी माँ को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, उन्हें तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों साथ में मिलकर कुछ कर रहे हैं। सुमेर बोला, मेरी माँ इंसानों के साथ रहते रहते इंसानी भावनाओं से घिर चुकी है, हालांकि एक माँ के तौर पर देखो तो ये स्वाभाविक भी है, वो मेरे लिए परेशान होती है। अब हर किसी का रिश्ता तुम्हारे और बंजारन की तरह नहीं होता ना, जहाँ एक माँ अपने ही बच्चों को मारना चाहती है और बच्चा अपने ही माँ की सारी शक्तियाँ छीनना चाहता है। सुमेर की बात चेरी को टोंट के वे में लगी और चेरी सुमेर को घूरती हुई बोली, तुम कहना क्या चाहते हो सुमेर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे टोंट करते रहते हो? तुम्हारी बातें अक्सर इस तरह की होती हैं, जजमेंटल वाली। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो कि मैं अपनी माँ या अपने परिवार के खिलाफ इतना सब कुछ कर रही हूँ तो मैं? सुमेर बोला, नहीं चेरी, ये तुम किस तरह की बात कर रही हो, मैंने बस जनरल वे में कहा। तुम मेरी बातों को इतना नेगेटिव तरीके से नहीं ले सकती हो, अगर हम एक दूसरे की बातों को इस तरीके से लेंगे तो हम बाकी लोगों का सामना कैसे करेंगे? हम एक दूसरे के साथ जजमेंट फ्री हैं, और मैं समझ सकता हूँ चेरी, जिस माँ के साथ, जिस भाई के साथ, जिस फैमिली के साथ कभी रही नहीं, कभी जिनके साथ इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, वो फैमिली होती ही नहीं है ना, मैं सही कह रहा हूँ ना? चेरी बोली, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसी तरीके से जैसे सालों तक तुम्हारी माँ तुमसे दूर रही,
तुम अपनी माँ के बिना रहे, इसलिए तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी माँ की तरफ ऐसा है। इतना कहकर चेरी वहां से चली गई और सुमेर उसके पीछे पीछे उसको मनाने के लिए भागा। दूसरी तरफ विक्की के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्की ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने मनवा खड़ा था। मनवा को देखकर विक्की हैरानी से बोला, मनवा भाई आप यहाँ? सुमेर यहाँ नहीं है। तुम शायद भूल रहे हो कि सजनी बहन है मेरी, उसके घर गया तो पता चला कि वो यहाँ है कल से, इसलिए यहाँ आ गया। जरा सजनी को बुला दोगे? विक्की बोला, हाँ हाँ मैं बुलाता हूँ, आप आइए भीतर आइए। मनवा जैसे ही भीतर गया, उसकी नजर भंवरी देवी पर पड़ी। भंवरी देवी को देखकर वो हैरान रह गया। भंवरी देवी ने तंज कसते हुए कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, मैं स्वस्थ अवस्था में यहाँ कैसे बैठी हूँ? इससे पहले मनवा कोई जवाब देता, ध्रुव बोला कि आप कैसी बात कर रही हैं? ये सजनी का भाई है। भंवरी देवी बोली, हाँ सजनी का भाई है और सुमेर का गुलाम भी, जो सुमेर के कहने पर बुरी से बुरी चीज करने से एक बार भी नहीं हिचकिचाता है। तब तक सजनी भी तारा और अनन्या के साथ कमरे से बाहर निकल गई थी। भंवरी देवी की बात सजनी भी सुन चुकी थी। सजनी बोली, हम जानते हैं आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यकीन मानिए उसके बाद मनवा भैया को बहुत दुख हुआ। ध्रुव ने कहा, लेकिन आप इस तरह से गोल गोल बात क्यों कर रही हैं? स्पष्ट कहिए ना भंवरी देवी, आप क्या कहना चाहती हैं? भंवरी देवी बोली, मेरी ये जो हालत है वो सुमेर ने की है, लेकिन सुमेर ने अपने हाथों से नहीं किया है। सुमेर ने अपने लोगों से कहकर करवाया है और सुमेर के दो ही विश्वास पात्र लोग हैं, एक ये है और एक और है। ध्रुव हैरानी से बोला, महादेव? भंवरी देवी बोली, हाँ इन्हीं दोनों ने मेरी ऐसी हालत की और मुझे गांव के बाहर फेंक कर आए थे सुमेर के कहने पर। ये सुनकर ध्रुव गुस्से में मनवा की तरफ देखता हुआ बोला, मनवा भाई यकीन नहीं होता, आप सुमेर के कहने पर एक से एक बुरी चीजें करते हैं जिसके बारे में मुझे पता है, लेकिन आप इतनी नीचता भी करेंगे ये नहीं मुझे समझ में आता। आपने एक बुजुर्ग महिला पर हाथ उठाया सिर्फ सुमेर के कहने पर, ऐसी कोई गुलामी नहीं होती, ऐसी मूर्खता होती है जो इंसान खुद अपनी मर्जी से करता है। ये करने से पहले एक बार भी आपको नहीं लगा कि सुमेर जो आपसे करने के लिए कह रहे हैं वो पाप है? ऐसे में तो एक दिन आप अपनी खुद की माँ पर भी हाथ उठा सकते हैं। यहाँ क्या करने आए हैं? अच्छा हाँ, सजनी आपकी बहन है इसलिए आप यहाँ आए, ठीक है सजनी को लेकर यहाँ से जाइए। मैं नहीं चाहता कि आपके जैसा इंसान मेरे घर में एक पल भी रुके। सुमेर को तो मैं उसके किए की सजा दूंगा ही दूंगा, लेकिन याद रखिएगा आप और महादेव भी बराबर के सहभागी हैं। आप सजनी के भाई हैं, सिर्फ उसका लिहाज करके मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप निर्दोष बन जाएंगे। ध्रुव की बात पर मनवा सर झुकाए हुए बोला, मेरी बात सुनो, मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हुआ। मनवा इतना बोला ही था कि ध्रुव गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा, निकल जाइए मेरे घर से। इतना कहकर जैसे ही ध्रुव मनवा की तरफ बढ़ा, बीच में सजनी आकर खड़ी हो गई और बोली, ध्रुव भैया एक मिनट रुको, हमारी बात सुनो। हम समझते हैं कि हमारे भैया से बहुत बड़ी गलती हुई है, पाप हुआ है जैसा कि तुम कह रहे हो, लेकिन उसको इस बात का एहसास है। हम खुद बात किए मनवा भैया से, हम तुमको बताते हैं। दरअसल जब भंवरी देवी के साथ ये सब कुछ हुआ, हम उसी वक्त समझ गए थे कि सुमेर अपने हाथों से कोई गलत काम नहीं करता, वो हमारे भैया को या महादेव भैया को इन सब चीजों में आगे करता है। इस बार भी यही हुआ होगा। जब हमने मनवा भैया से बात की तो हमें पता चला कि ये सब कुछ सच है। तब हमने उनको खुद बहुत सुनाया था, हमने कहा था कि बाकी सारे अपराध एक तरफ, लेकिन बुजुर्ग महिला पर हाथ उठाना, साथ ही साथ उनको ये भी कहा था कि सुमेर आपका हितैषी नहीं है, आपको अपने इशारे पर नाचने वाली कठपुतली समझता है। जिस दिन आपने उसकी एक बात नहीं मानी, उस दिन वो आपको आपकी असलियत बता देगा। और हुआ भी ऐसा ही। सुमेर ने दोबारा कहा मनवा भैया से कि भंवरी देवी को ढूंढे और उन्हें जान से मार दे, क्योंकि उनका जिंदा रहना ठीक नहीं है। और जब मनवा भैया ने इस चीज के लिए मना किया, तब सुमेर ने मनवा भैया को बहुत डांटा और उनका अपमान किया। तब भैया को समझ में आ गया कि हमारी बात बिल्कुल सच थी और उन्होंने हमसे बात की। तब तक छलावा भैया वाली बात सामने आ चुकी थी कि उनके साथ ये सब जो कुछ भी हो रहा है, और छलावा भैया बाहर बैठकर हवेली तक नहीं पहुंच पा रहे थे, किसी के दिमाग में नहीं जा पा रहा था। इसलिए हमने मनवा भैया से कहा कि हवेली में हर किसी पर नजर रखे, खासकर चेरी सुमेर और ठकुराइन पर, और उनकी एक एक बात पर नजर रखे और ध्यान से सुने, और कुछ भी ऐसा वैसा पता चलता है तो आकर हमें बताए। सजनी की बात से सब हैरान थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सजनी इतना सब कुछ सोच सकती है और बिना किसी को बताए या कानो कान भनक लगने दिए इतना सब कुछ भी कर सकती है। सजनी की बात जब खत्म हुई, तब जुल्मी आगे आया और आंखें फाड़े सजनी को देखता हुआ बोला, तुम हमारी ही सजनी हो ना, कहीं तुम कोई जादू टोना वाली कठपुतली तो नहीं हो जो मायावी रूप लेकर हमारी सजनी बनकर हमारे सामने आई हो? सजनी बोली, कैसी बात कर रहे हो जुल्मी, हम सजनी है, हम कोई मायावी नहीं है। जुल्मी बोला, तो इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें भी नहीं बताया? सजनी बोली, अब देखो हम बाकी सबकी तरह बहुत कुछ सोच समझकर और प्लानिंग करके तो काम नहीं कर पाते हैं,
हाँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ था उसमें हमें जो समझ में आया उसको करने की हमने कोशिश की, लेकिन फिर हमें लगा कि अगर हम जो सोच रहे हैं वो नहीं हो पाया अच्छे से तो क्यों बेमतलब काम होने से पहले किसी को बताना। इसीलिए हमने किसी को नहीं बताया। हमने सोचा एक बार जब कुछ पता चलेगा, कोई काम की बात सामने आएगी, तब हम सबको बताएंगे। लेकिन तब तक मनवा भैया यहाँ आ गए और ये सब कुछ हो गया। हमें सब कुछ बताना पड़ा। हमारा यकीन करो, हमारा भाई अब सुमेर का साथी नहीं है। वो भी समझ गया है कि सुमेर सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए ही सोचता है और उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। अब तक हमारे भैया को लगता था कि सुमेर उसको मानता है, उसके लिए भी सोचता है, लेकिन अब उसकी गलतफहमी दूर हो गई है। मनवा ने तुरंत कहा, सजनी बिल्कुल ठीक कह रही है ध्रुव, मेरी बात का यकीन करो। मैं यहाँ अपनी गलती की माफी मांगने भी आया हूँ, भंवरी देवी से भी, तुम लोगों से भी, और साथ ही साथ मैं तुम लोगों के लिए ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर तुम लोग के होश उड़ जाएंगे। छलावा की जान को खतरा है, मैं तुम लोगों को चेतावनी देने आया हूँ। ध्रुव हैरानी से बोला, जान को खतरा? क्या मतलब है आपका? मनवा ने कहा, बहुत कुछ तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन हाँ, चेरी और सुमेर छलावा से मिलकर आए थे थोड़ी देर पहले हवेली, और ठकुराइन को अपने कमरे में लेकर गए थे। वो लोग कोई बात कर रहे थे जिसमें ठकुराइन ने कोई मारन बंधन या कुछ इसी तरह की बात की, जिसके जरिए छलावा के साथ कुछ करने वाले हैं वो लोग, और यही बात मैं तुम लोगों को बताने चला आया। ये सुनकर ध्रुव हैरानी से बोला, मारन बंधन? हे ईश्वर! I'm going to go to the hospital.